भारत का प्रेरित और विश्वास में हमारे पिता माने जाने वाले संत थॉमस का पर्व जुलाई 3 तारीख को सहर्ष हम मनाते हैं। हमारे धर्म प्रांत में ऐसी कई जगह है जहां संत थॉमस के नाम पर गिरजाएं या संस्थाएं स्थापित हैं, जैसे कि संत थॉमस चर्च अशोक नगर, संत थॉमस चर्च ज्योति भवन सागर, संत थॉमस चर्च एवं स्कूल बैगमगंज, संत थॉमस स्कूल उदयपुरा। यह जानकर मुझे खुशी महसूस हो रहा है कि सागर डाइसेशन यूथ मूवमेंट ने संत थॉमस पर आधारित एक नाटक प्रतियोगिता कर रहे हैं। हम संत जोसेफ चर्च गंज बसोदा के युवक युवतियां आपके लिए एक प्रस्तुति लेके आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि यह आपको जरूर पसंद होगा और विश्वास की रास्ता में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। हमारी लघु नाटिका के पात्र इस प्रकार हैं: संचालक मिस्टर सुनील आइसक एवं स्मृति खैस, ईसा रोनाल्ड जेम्स, संत थॉमस दीपक मिंज, बारहों में से चार प्रेरित, पेत्रुस अमित कुलस्ते, याकूब मार्टिन जॉर्ज, योहन मिलन संजय, टीचर खुशबू लकरा, छात्र छात्राएं अमनदीप तिग्गा, एंजलो सुनील, शामली पन्ना, आयशा लकरा, सोफी खैस, जॉनी पन्ना, लाजरुस अर्पित लकरा, मार्था हेमा खालखो, मरियम नूतन खालखो, राजा आशित टोप्पो, गुप्तचर लूकस यादव, सिपाही समीर लकरा और अनुराग मिंज। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द स्वयं ईश्वर था। समस्त सृष्टि की रचना के बाद ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया। मनुष्य ईश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना करते हुए पाप के मार्ग पर बढ़ता गया। कई प्रवक्ताओं ने मनुष्य को ईश्वर के निकट लाने का प्रयास किया किंतु विफल रहे। तब पिता ईश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को सभी के उद्धार के लिए मानव रूप में पृथ्वी पर भेजा। प्रभु ईसा ने अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए 12 शिष्यों को चुना। इन 12 प्रेरितों ने ईसा के साथ रहकर उनसे शिक्षा प्राप्त की और उनके सच्चे अनुयायी बने। इन 12 प्रेरितों में से एक था थॉमस। प्रभु वचनों और प्रभु की शिक्षा को संसार के कोने कोने में पहुंचाने की जिम्मेदारी इन प्रेरितों ने बहुत खूबी से निभाई। तो प्रिय मित्रों, आइए देखें और जानें उस महान प्रेरित संत के बारे में जिन्होंने एशिया महाद्वीप में प्रभु वचनों का प्रचार कर लोगों को प्रेम और शांति का मार्ग सिखाया। तो लीजिए, प्रस्तुत है संत थॉमस पर आधारित एक लघु नाटक अविश्वासी थॉमस। एंजलो, एंजलो, पता है आज मुझे परीक्षा के अंक बताए गए और मुझे मेरी कक्षा में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त हुए हैं। तुम सच बोल रहे हो? तुम्हारे और सबसे ज्यादा अंक? हाँ यार, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जब तक मैं तुम्हारी अंक सूची ना देख लूँ मैं नहीं मानूंगा। जय यीशु टीचर जी। जय यीशु बच्चों, सब बैठ जाओ। अमन एंजलो,
क्या हुआ? किस बात को लेकर बहस चल रही है? टीचर जी, देखिए ना, यह मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहा। ऐसी क्या बात है बेटा जो तुम विश्वास नहीं कर रहे? टीचर जी, यह बोल रहा है कि इसकी कक्षा में सबसे ज्यादा अंक आए हैं, तो मैंने कहा कि मैं तो अंक सूची देख कर ही विश्वास करूँगा। हाँ हाँ, हमें भी विश्वास नहीं है। बेटा, तुम सब भी संत थॉमस की तरह बिना देखे विश्वास नहीं करोगे? संत थॉमस? कौन संत थॉमस? आओ, मैं तुम्हें संत थॉमस के विषय में बताती हूँ। हाँ टीचर जी, मुझे भी संत थॉमस के विषय में जानना है। संत थॉमस प्रभु ईसा के 12 प्रेरितों में से एक थे। वे डिडीमस के नाम से भी पहचाने जाते थे। वे बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे और यीशु के करीबी शिष्यों में से एक थे। क्या संत थॉमस सभी प्रेरितों में यीशु के सबसे अच्छे शिष्य थे? टीचर जी, उन्होंने यीशु के साथ रहकर क्या क्या कार्य किए थे? चलो मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाती हूँ, जिससे तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बिथानिया एक जगह थी जहाँ मरियम, मार्था और लाजरस रहा करते थे। वे तीनों भाई बहन थे। लाजरस, जो यीशु का मित्र था, बीमार पड़ा और यह खबर यीशु को मिली। गुरुवर, लाजरस बहुत बीमार है, शायद वह जीवित नहीं बचेगा। यह बीमारी मौत पाने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के चमत्कार के लिए है। ईश्वर के बच्चे को कभी कुछ नहीं होगा। चलो हम दोबारा यहूदिया चलते हैं। गुरुवर, लेकिन आप तो जानते हैं कि किसी भी कीमत पर आप यहूदिया नहीं जा सकते। वह आपको बंदी बनाना चाहते हैं। वहाँ ना जाएं, क्योंकि वहाँ जाने से बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। तुम ऐसा क्यों बोलते हो मित्र? गुरुवर के साथ जाने में हमें किस बात का डर? 12 घंटों की सूरज की रोशनी नहीं होती क्या? अगर कोई इंसान दिन में चले तो वह लड़खड़ाता नहीं, वह दुनिया की रोशनी देख पाता है। पर अगर इंसान रात में चले तो वह लड़खड़ाएगा, क्योंकि वहाँ रोशनी नहीं होगी। लेकिन गुरुवर, आप स्पष्ट कीजिए गुरुवर। हमारा मित्र लाजरस गहरी नींद में है। अगर मैं वहाँ गया तो वह अपनी नींद से उठ जाएगा। लेकिन गुरुवर, अगर वो सो रहा है तो हम उसे जल्दी ठीक कर सकते हैं। यीशु ने लाजरस के मरने की बात की, लेकिन शिष्यों को लगा कि वह उसके नींद में होने की बात कर रहे हैं। लाजरस मर चुका है। शुक्र है मैंने आपकी बात मानी और वहां नहीं गया। गुरुवर, चलिए हम यहूदिया चलते हैं। लेकिन गुरुवर, वहां जाने से हम सबको खतरा है। खतरा है तो क्या, हम भी चलें और उनके साथ मर जाएं। इसके पश्चात ईसा अपने शिष्यों के साथ यहूदिया गए और उन्होंने लाजरस को मृतकों में से जीवित किया। इस दृष्टांत से हम संत थॉमस का ईसा के प्रति प्रेम और समर्पण देखते हैं कि अपने प्राण की परवाह किए बिना वे ईसा के साथ यहूदिया जाने को तैयार हो गए। तो देखा बच्चों, संत थॉमस प्रभु यीशु को कितना प्यार करते थे। जी हाँ टीचर जी, मैं भी प्रभु को बहुत प्यार करता हूँ। हाँ हाँ टीचर जी, मैं भी प्रभु यीशु को बहुत प्यार करती हूँ और उनसे रोज प्रार्थना करती हूँ। पर टीचर जी, आपने इससे ऐसा क्यों कहा था कि यह भी संत थॉमस की तरह बिना देखे विश्वास नहीं कर रहा? हाँ बेटा, अब मैं आपको इसके संबंध में घटित एक घटना बताऊंगी कि क्यों संत थॉमस को डाउटिंग थॉमस कहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं प्रभु यीशु के शिष्यों के साथ अंतिम भोज की एक महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। स्वयं को शून्य बनाकर, सेवक सा विनम्र होकर, अपने शिष्यों के पैर धोने के बाद
प्रभु ने परम प्रसाद की स्थापना की और उसके बाद अपने शिष्यों से कहा, मैं थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे ढूंढोगे लेकिन मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी। मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जा रहा हूँ, मैं आऊँगा और तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम भी वहाँ का मार्ग जानते हो। प्रभु हम ये भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? थॉमस, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। देखो वह घड़ी आ रही है, आ ही गई है, जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे। इसके पश्चात ईसा गेतसेमनी बारी गए, जहां उन्हें गिरफ्तार कर कलवारी पहाड़ी पर क्रूस पर चढ़ा दिया गया। जैसा प्रभु ने कहा था, लगभग सारे शिष्य तितर बितर हो गए और भय से सामने नहीं आए। थॉमस भी उनमें से एक था। कलवारी पहाड़ी पर सभी मनुष्यों के पाप प्रायश्चित के रूप में उन्होंने स्वयं को बलि चढ़ा दिया। वे तीसरे दिन जी उठे। जी उठने के पश्चात ईसा ने मरियम मग्दलीना को दर्शन दिया। फिर उन्होंने उस कक्ष में प्रकट होकर प्रेरितों को दर्शन दिया, जहां वे यहूदियों के भय से द्वार बंद किए बैठे थे। तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। थॉमस उस कक्ष में शिष्यों के साथ नहीं था। थॉमस के वापस आने पर, थॉमस हमने प्रभु को देखा है। क्या, प्रभु को? ऐसा कैसे संभव है? उन्होंने इसी कक्ष में आकर हमें दर्शन दिए। जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान ना देख लूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद शिष्यगण घर के भीतर थे और थॉमस भी उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आ खड़े हुए। तुम्हें शांति मिले। थॉमस अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरा हाथ है, अपना हाथ बढ़ाकर मेरे बगल में डालो। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। मेरे प्रभु। मैं भी प्रभु के बताए मार्ग पर चलकर अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। पवित्र आत्मा की प्रेरणा पाकर प्रेरित गण ईश्वर के राज्य की स्थापना करने अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। संत थॉमस 52 ईस्वी में सर्वप्रथम दक्षिण भारत के केरल प्रदेश में कुडंगल्लूर बंदरगाह पर उतरे, जहां उन्होंने प्रभु वचनों का प्रचार किया।
प्रभु ने कहा, पश्चाताप करो, विश्वास में दृढ़ बने रहो, प्रेम और शांति के वाहक बनो, ईश्वरीय ज्योति का अनुकरण करते हुए प्रार्थना में जीवन बिताओ, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। आप कौन हैं? आपके यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? मैं मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह के 12 प्रेरितों में से एक थॉमस हूँ। मैं प्रेम, क्षमा और शांति का संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। देखने में तो कोई संत लगता है। दयासागर प्रभु कहते हैं, तुम में से जो मेरा अनुसरण करना चाहे वह खुद को त्यागे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लें। राजा का गुप्तचर यह सब देख रहा होता है और वह जाकर राजा को खबर देता है। महाराज की जय हो। महाराज, एक परदेसी बड़ी दूर से आया है जो ईसा मसीह के वचनों का प्रचार कर रहा है और कई लोग उसके वचन सुनकर स्वेच्छा से ईसाई धर्म अपना रहे हैं। ईसा? कौन ईसा? जाओ उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ पता करो और मुझे सूचित करो। संत थॉमस अपना प्रेरिताई का काम जारी रखते हैं और कई लोग उनके समक्ष आकर ईसाई धर्म के अनुयायी बनते गए और उन्होंने दक्षिण भारत में 7.5 गिरजाघरों की स्थापना की। गुप्तचरों ने संत थॉमस की पूरी जानकारी राजा को आकर दी। महाराज की जय हो। महाराज, उस व्यक्ति का नाम थॉमस है। प्रांत के सभी लोग उसके अनुयायी बन रहे हैं, उसके वचन सुनते और उसमें विश्वास करते हैं। सभी ईसा और संत थॉमस की ही चर्चा करते रहते हैं। इस व्यक्ति में ऐसा क्या है जो सभी इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं? महाराज, यहाँ तक कई ब्राह्मण परिवारों ने भी ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है। निश्चित ही वो कोई पुण्य आत्मा होंगे। माना जाता है कि केरल के पश्चात संत थॉमस उत्तर भारत में, चाइना में और उसके बाद तमिलनाडु में सुसमाचार प्रचार करते रहे। तमिलनाडु के मयिलापुर में कुछ कट्टरपंथियों ने संत थॉमस के धर्म प्रचार और अच्छे कामों से विचलित होकर उनका वध कर दिया। प्रभु का नाम और संदेश लोगों तक पहुंचाते हुए संत थॉमस शहीद हो गए। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप लोग संत थॉमस के विषय में मैंने जो कुछ बताया समझ गए होंगे। जी टीचर जी, मैं समझ गया कि संत थॉमस ने भारत में क्रिश्चियन विश्वास की नींव रखी। और टीचर जी, मैंने यह समझा कि हमें अपने प्रभु पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए और उनके बताए मार्ग पर ही चलना चाहिए। बहुत अच्छे बच्चों, आओ हम सब संत थॉमस की मध्यस्थता से प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। की राह भारत भूमि दिलाने आए पुण्यात्मा, भारत जग में प्रेम का दीप जलाने आए पुण्यात्मा। क्रिस्त की राह भारत भूमि दिलाने आए पुण्यात्मा, भारत जग में
प्रेम का दीप जलाने आए पुण्यात्मा। प्रेरित दाता संत थॉमस स्नेहा, विनती करो हमारे लिए। प्रेरित दाता संत थॉमस स्नेहा, विनती करो हमारे लिए। विनती करो हमारे लिए। तो दोस्तों, इस नाटक से शिक्षा लेते हुए हम सब अपने विश्वास को मजबूत करें और हमेशा यह बोलने तत्पर रहें, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर मेरे